ऐसा बोलना विचित्र लग रहा है, आपका उसके पास जाना विचित्र लग रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर दिस आई हैव रिटन दिस स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन इजिली ट्रांसलेट देम। पहले हमें लिखना है इट इज स्ट्रेंज, तो हम इट इज स्ट्रेंज लिखेंगे। उसके बाद दैट, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो आपका का क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप योर मत लिखेगा आपका का, क्योंकि यू जो होता है हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में आता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में आता है, और यू कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। तो यू, और उसके बाद शुड, तो यू शुड। अब भी वन बोलना, यानी जिसके अंत में ना होगा उसको लिखेंगे, तो बोलना का स्पीक ऐसा दिया है तो लाइक दैट, यानी पूरा बना हमारा इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड स्पीक लाइक दैट। तो अब आप एक बताइए ना, आपका वहां जाना विचित्र लग रहा है, कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड गो देयर। नेक्स्ट है हमारा आपका उसके पास जाना विचित्र लग रहा है, कैसे बनाएंगे? इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड गो, आपका उसे शादी करना विचित्र लग रहा है, हाँ कैसे बनाएंगे बोलिए ना। हाँ बिल्कुल सही, इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड मैरी हिम। नेक्स्ट है हमारा आपका देर से आना विचित्र लग रहा है, कैसे बनाएंगे? हाँ बिल्कुल सही, इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड कम लेट, इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड कम लेट। अब आपसे दोस्तों पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका वहां रहना विचित्र लग रहा है, आपका उससे बात करना विचित्र लग रहा है,